मारपीट का मामला ये है कि पहला नंबर तो मैं समाजवादी पार्टी का प्रमुख हूँ, एक दलित परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। कल मैं छठ पूजा के कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित था, साफ सफाई करवाता था। मैं वहीं हमेशा छठ पूजा के लिए टेंट हाउस लगवाता था, कार्यक्रम नहीं करवाते थे, वहाँ हर साल कराता हूँ। मैं उसी के देख रेख में वहाँ गया था। पुल पे वो जितेंद्र सिंह वहाँ खड़े थे, तो वो लोगों से बात कर रहे थे कि क्या नाम है पुल, ये क्यों अपने मर्जी से गड़वा रहे हैं। तो हम पूछे, चाचा ठीक है आप अपने मर्जी से गड़वा लीजिए। तो वो बोले कि माधव चोर भोसड़ी वाले, हाँ मतलब आपके साथ गाली गलौज किया गया। कहे कि धोबी के जात और भोसड़ी वाले प्रमुख की झाट बनते हो तुम लोग, हैं जाओ अभी तुमको हम बताते हैं, तुम रुको 5 मिनट तुमको हम बताते हैं। वो लोग गए घर, घर जाने के बाद वो सभी लोग वहां से आए अपने घर वालों के साथ, वहां के उनके लड़के वो और सभी लोग आए। आने के बाद वो आए तो लाइनमैन को लगे मारने, आपके जो साथ ही मारपीट हुई है क्या? नहीं हम बता रहे हैं पहले मेरी वो सुन लीजिए। मैं जब लगे मारने उनको लाइनमैन को, तो हम कहे चाचा इन लोगों का मारे, ऐसे बेचारे गरीब आदमी हैं, खंभा गाड़ते हैं लोग, इन लोगों को मार रहे क्यों मार रहे हैं। इतने पे लगे हमें मारने सत्येंद्र सिंह और ये जितेंद्र सिंह, लगे हमें मारने, मेरा ये दबा दिए थे, गला दबा दिए थे। मैं उसके बाद लोग मुझे छुड़ाने लगे, छुड़ा दिए लोग, नहीं तो मुझे मैं जान से मर जाता, क्योंकि मुझे दबा दिया था, मैं मूर्छित होकर गिर गया था वहीं पे, बेहोश होकर गिर गया था। तो पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही किसी? मैं वहां थाने गया था। पहला मेरा तो अप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा था, कहे कि दरोगा से साइन करा के लाओ तो फिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हमने कहा, सीओ साहब को फोन किए, सीओ साहब बोले कि ठीक है प्रमुख जी आपकी कार्रवाई होगी, आपका अप्लीकेशन लिया जाएगा, हम बात कर रहे हैं। फिर हमने नहीं मेरी कोई कार्रवाई हुई, तो मैं फिर सीओ साहब से फोन किया, तो सीओ साहब बोले कि क्या नाम है प्रमुख जी आप वहीं रहिए मैं आ रहा हूँ। तो फिर सीओ साहब गए, फिर सीओ साहब से मेरी वार्ता हुई, सीओ साहब बोले दी है थाने में कि उनसे कुछ लोगों ने मारपीट। मामला सर क्या है, कार्रवाई उसमें क्या हुई है? ये कल की घटना बता रहे हैं कि वहां पे कुछ साफ सफाई को लेके और एक बिजली का खंभा गाड़ने को लेके गांव के कुछ लोगों से इनका विवाद हो गया था, और इसके इसके काफी वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुए हैं। तो इसमें वीडियो क्लिप देख के इनके बीच में वाद विवाद और गाली गलौज होना पाया जा रहा है। इन्होंने एक तहरीर दी है, उसमें दो लोगों को नामजद किया है, मुकदमा पंजीकृत है और इसमें विवेचना जारी है, जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की।